बच्चों आज मैं आपको ऐसे कुछ चार क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन तो जरूर जरूर बनेगा। इन चार क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लें तो पॉसिबिलिटी है आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। ठीक है, तो मैं एक एक क्वेश्चन आप करके धीमे धीमे करता हूँ एक्सप्लेन, आप सीख भी सकते हैं इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल सेक ए प्लस टेन ए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करना, बड़ा ईजी है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ मेरे साथ पास जो परेशानी आती है निकल के आती है कि अंडर द रूट दे रखा है। यहाँ पर मेरे पास है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है ना, हमने क्या करा, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और हम आरएचएस लेके आएंगे। ठीक है ना, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है मेरे पास। इसमें मैं ये करता हूँ, सबसे पहले तो जो नीचे जो डिनोमिनेटर दे रखा है, हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, हमारे पास जो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम हर का परिमेयकरण करते हैं, बोलते हैं ना इंग्लिश में बोलते हैं उसको रैशनलाइजेशन। ओके, तो ये सिंपल है, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है, माइनस है, इस माइनस की जगह आपको कर देना प्लस, और सेम टू सेम संख्या लिख देनी है, ऊपर भी और नीचे भी। 1 प्लस साइन है ऊपर और नीचे लिखना है 1 प्लस साइन ए। ठीक है ना, इस तरह से ये वाला भाग होता है। सेकेंड पार्ट आप करेंगे, सेकेंड पार्ट में आप क्या करने वाले हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे क्या होने वाला है, नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, अब देखो बच्चों एक इस बात को समझ लो कि अगर साइन ए का स्क्वायर आपको दे रखा है ना, वो किसके इक्वल होता है, वो साइन स्क्वायर ए के इक्वल भी होता है। ठीक है, ऐसा कन्फ्यूज मत होना कि साइन स्क्वायर ए और साइन ए का स्क्वायर अलग अलग टर्म है, दोनों एक ही टर्म है। ठीक है, कन्फ्यूज होने वाले कोई बात नहीं है। आगे देखें, आप एक आइडेंटिटी ध्यान कर लें, एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी होती है 1 के इक्वल, किसके इक्वल, 1 के इक्वल। ओके, इसी आइडेंटिटी में थोड़ा सा फेरबदल कर दें तुम्हें क्या निकलेगा, हमारे पास वैल्यू निकलेगी कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारे पास निकल के आता है। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी से हमने क्या निकाल के लाए, ये वैल्यू निकाल के लिया लेके आगे। ओके, देखा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल, और यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ। देखो तो कैसे, ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे लिखेंगे जैसे वो लिखी हुई है साइन ए, और उस पर स्क्वायर है तो हम उस पर स्क्वायर लगाने वाले हैं, नीचे 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए के, मैं इसे लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर ए। ओके बच्चे, अब तो आगे देखें, अगले टर्म में हम क्या करने वाले हैं, जैसे रूट लगा हो ऐसे रूट लगा देंगे, और रूट लगाने के बाद हम यह करेंगे कि इसमें 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए के रूट को एक ही रूट कर देते हैं, जैसे कि मैं इसको लिख देता हूँ 1 प्लस साइन ए, नीचे लिखता हूँ कॉस ए। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं, ये लो ये लगा दिया स्क्वायर, क्योंकि आप एक बात जानते हैं, इस प्रॉपर्टी को आप बड़ी आसानी से आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ये एक प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी के अनुसार मैंने चीज़ों को लिख दिया। अब मैं जानता हूँ कि अगर रूट है, नहीं देख लो, ए स्क्वायर ए अपॉन बी का स्क्वायर लिख रहा है और रूट लगा हुआ उसके ऊपर, आप बड़ी इजीली उस रूट को कट कर सकते हो। ओके, हाँ, तो यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्या करा, स्क्वायर से रूट काट दिया, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या बचा बच्चों, नीचे बचा मेरे पास कॉस ए, मेरे पास टर्म बची। ठीक है ना, तो अब इस टर्म से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इस टर्म से अगर ध्यान से देखेंगे तो हम इनको अलग अलग कर देंगे, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए को, यहाँ आएगा 1 बटे 1 कॉस ए, और यहाँ आ जाएगा प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, हमारे पास सी टर्म निकल के आ जाती है कॉस ए। ओके, 1 बाई कॉस ए क्या होता है, 1 बाई कॉस ए होता है सेक ए, प्लस साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन ए, ये टेन ए होता है। ओके, ये मेरे पास टर्म निकल के आ गई, बट क्वेश्चन में अगर आपने देखा होगा, क्वेश्चन में हमारे पास था एक तरफ था 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इस तरफ था सेक ए प्लस टेन ए, हम एल एच एस लेके चले थे और सेक ए प्लस टेन ए
हमने आरएचएस लेके दिखा दिया, ये हमारा आरएचएस है ना। तो यहाँ पर हमारा एलएचएस किसके बराबर हो गया, एलएचएस हो गया आरएचएस के बराबर, ये हमारा ये भाग था। तो ये बात प्रूव हो गई हमारी, ये क्वेश्चन कंप्लीट। ओके अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ये बड़ा आसान करने के लिए, यहाँ पर दो भाग हैं। यहाँ भी हम शुरुआत करेंगे पहले एलएचएस से, एलएचएस लेके चलते हैं। ये देखो एलएचएस में हमारे पास क्या है, एलएचएस में हमारे पास है यहाँ पर साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। हम इस एल एच एस को लेके चलेंगे और साइड में जो दे रखा है 7 जमा 10 स्क्वायर ए जमा कॉट स्क्वायर ए लास्ट में लेके आ जाएंगे। ठीक है, जब ये वैल्यू आ जाएगी लास्ट की, आर एच एस आ जाएगा हमारे पास, तो हमारा यह सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने इनकी आइडेंटिटी लगा देनी है। पहले दो तरीके से कर सकते हैं, तो आप पहले जो स्क्वायर वाला आइडेंटिटी है इसको खोल लें, क्या होता है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी का स्क्वायर आपको पता भी होगा। ए प्लस बी का स्क्वायर नहीं पता देख लो, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, अब देखिए जरा यहाँ पर साइन ए जमा कॉस ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए जमा सेक ए का स्क्वायर है, हम क्या कर सकते हैं इस आइडेंटी को ओपन कर सकते हैं। आइडेंटी क्या आएगी, साइन स्क्वायर ए जमा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। पहले वाले खोल दिया मैंने, जैसे ये साइन ए प्लस कॉसेक ए खोला है वैसे ही हमें कॉस ए जमा सेक ए खोलना है। प्लस लगाओ, यहाँ क्या मिलेगा मुझे, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos a इंटू sec a, ये मेरे पास निकल के आ गया। ठीक है ना, अब देखो आप एक आइडेंटिटी से परिचित हैं, जैसे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी आइडेंटिटी क्या थी, आइडेंटिटी थी कि साइन स्क्वायर ए जमा कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। यहाँ देखो यहाँ साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, दोनों वैल्यू मिलके क्या बन गई, 1 बन गई, मैं इसे 1 लिख देता हूँ। ओके ये हो गया 1 प्लस, आगे देखें यहाँ पर मेरे पास है एक तरफ कॉसेक स्क्वायर ए एक तरफ सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर फिर आपको एक आइडेंटिटी और याद करने वाली बात आती है, तो आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी याद कर लें कि यहाँ देखिए आइडेंटिटी है आपके पास सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये क्या होता है आपका 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी आपके पास कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, ये दो आइडेंटिटी हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूलाज होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर फॉर्मूला सही ढंग से हम नहीं करते हैं तो इन्हें समझना मुश्किल पड़ता है। अब इन आइडेंटिटीज को थोड़ा सा हम बदल सकते हैं, इनको थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा एक्चुअली। अगर हम ऐसा लिखें, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सेक्स स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के इक्वल होता है। यहाँ पर देखें कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है, यहाँ पर अगर हम माइनस कॉट को यहाँ ले जाएं तो क्या बचेगा, मेरे पास बचने वाला है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 जमा कॉट स्क्वायर ए, मेरे पास ये बचेगा। ठीक है, मेरे पास ये वैल्यूज आ चुकी है, और सेक स्क्वायर ए की जगह मैं डाल लिख दूंगा 1 जमा 10 स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे हम 1 जमा कॉट स्क्वायर ए, ये चीज़ डाल दी है। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। देखो यहाँ क्या है, यहाँ मेरे पास है कॉसेक, इस कॉसेक की जगह हम लिख देंगे 1 जमा जमा कॉट स्क्वायर ए जमा, यहाँ 2 sin a है, इसको हम लिखते हैं 2 sin a। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1/sin a, कॉसेक की जगह लिख देंगे 1/sin a जमा सेक स्क्वायर ए की जगह जो आइडेंटिटी पीछे देखी हमने उसी आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ लिख देंगे हम 1
जमा 10² प्लस, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे हम चेक करेंगे, यहाँ मेरे पास है 2 cos A और sec A की जगह लिख देंगे हम 1 cos A, ये हुआ ना। अब cos A से cos A कट कर दीजिए, साइन A से साइन A कट जाएगा, ओके। और जो वैल्यू बची हैं, अब सारी वैल्यूज को आप लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को आप ऐड करते हैं, जैसे आप सारी वैल्यू को ऐड करेंगे आपको अपना आंसर आता हुआ दिखाई दे जाएगा। देखो यहाँ क्या है, 1 1 2 2, और ये तो पूरा कट गया, 2 बचा। चलो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए, अगर आसानी होने वाली है, 1 + 1 + cot² A प्लस, ये कट गया तो यहाँ क्या बचा, 2 + 1 + 10² A प्लस, यहाँ कट गया क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। अब सबको ऐड कर देते हैं, 1 1 2 टू 4 5 और 2 7, 7 आया प्लस, जो बचे सारे वैल्यू को लिख देते हैं, कॉट स्क्वायर ए बचा यहाँ पर, यहाँ क्या बचा है, बचा मेरे पास 10² ए, ये मेरे पास वैल्यू बची है। और ये क्या है मेरा, ये मेरा RHS है। इस तरह से सवाल भी कंप्लीट हो जाता है ना, बड़ा आसान। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को बड़ी इजीली खत्म कर सकते हैं। चलो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आप इसको समझ लें कि जो सवाल है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको कर लीजिएगा। अब देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पर यह करना पड़ेगा कि अपने एक छोटी सी आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, और आइडेंटिटी क्या है, मैं आइडेंटिटी बता देता हूँ आपको, है ना, आइडेंटिटी में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आइडेंटिटी है होने वाली है जो आप यूज करेंगे क्वेश्चन में, पहले तो जो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी वही आइडेंटिटी है, cosec² a माइनस cot² a इज इक्वल टू 1, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। ये क्वेश्चन है दो तरह से आ जाता है, तो आप ये तो आप फर्स्ट पैटर्न आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगली वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का सेकंड पैटर्न बताऊंगा, तो उसे आप बड़े जो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो LHS लेके चलते हैं सबसे पहले, यहाँ क्या है मेरे पास, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है ना। अब बात आती है क्वेश्चन को हल करने की, LHS से RHS ले के आने की बात आती है, ये हम बड़ी आसानी से कर लेंगे, यहाँ हमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखें कि कैसे होता है, इस क्वेश्चन में मुझे लेके आना है कॉसेक ए जमा कॉट ए, इस बात को ध्यान रखना है। तो पहले क्वेश्चन को मैं कॉसेक कॉट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कॉसेक कॉट में कन्वर्ट कैसे करूँगा, एक आइडेंटिटी है कि आप जानते होंगे कि कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, एक आइडेंटिटी तो ये है, और 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए, दूसरी आइडेंटिटी ये, तो दो आइडेंटिटी हैं इनका यूज करने वाले हैं, ठीक है ना, इनको ध्यान में रखिएगा। और बस आप क्वेश्चन को देखते जाएं क्वेश्चन कैसे होता है, आप बड़ी इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपके पास है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, तो इसको कॉट बनाने के लिए, कॉसेक बनाने के लिए आप देख रहे हैं, अगर कॉस को साइन से डिवाइड कर देते हैं और 1 को साइन से, तो क्या बन जाएगा, कॉसेक और कॉट जो हमें चाहिए क्वेश्चन में वो हमें मिल जाएगा। तो हम यही काम करने वाले हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड लिखूंगा मैं, डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर
बाय साइन ए, दोनों को साइन ए से भाग कर देते हैं, क्या मिलेगा मेरे को? यहाँ में मिलेगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए। उसके अपॉन में क्या मिलेगा आपको? यहाँ आपको मिलने वाला है कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन सॉरी मैं इसको सही कर लेता हूँ, ये साइन इक्वल का साइन यहाँ लगाना है, ध्यान रखना इस चीज़ का, अपॉन साइन ए प्लस की जगह माइनस है माइनस एक बटे साइन ए। ठीक है, अगला स्टेप क्या होने वाला है? इन आइडेंटिटी की हेल्प से कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है कॉट ए, और साइन ए बटे साइन ए वन होता है, वन बाय साइन क्या होता है कॉस एक, इनको यूज करके इन वैल्यूज को लिखना है। कॉस बटे साइन क्या हो गया कॉट ए, माइनस साइन बाय साइन क्या हुआ वन, प्लस एक बटे साइन क्या हुआ कॉस एक, और ए एंगल दे रखा है तो एंगल ए लिख दिया। कॉस ए बटे साइन ए क्या हुआ कॉट ए, प्लस साइन ए बाय साइन ए क्या हुआ वन, माइनस एक बटे साइन क्या हुआ कॉस एक, ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। इसको आगे सॉल्व करना है, मेरे पास ये टर्म आ गई, इस टर्म को आगे सॉल्व करना है। तो आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई थी पहले कि ये आइडेंटिटी है कॉस एक्स स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन होता है, तो इस वन की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये आपकी कॉस एक्स स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए है, ये हम इस वन की जगह पर लिखने वाले हैं। ठीक है ना, तो जरा देखें कि किस तरह से लिखेंगे हम। यहाँ पर कॉट ए, मैं कॉसेक को उस तरफ ले जाता हूँ तो जाएगा प्लस कॉसेक ए, था ये पॉलिसी पॉजिटिव का, ओके माइनस, और वन की जगह हम लिखेंगे आइडेंटिटी अपनी, आइडेंटिटी क्या हमारी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये लगा दी हमने। अपॉन में क्या चल रहा था, जो चल रहा था उसको आप एज इज लिखना है, ओके कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, ये लिखना है। ठीक है, इसके बाद मैं अगले स्टेप में नीचे आता हूँ। आप ये फॉर्मूला जानते होंगे, कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने पेज पर। हाँ देखो, इसमें कॉस एक्स स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है, तो यहाँ ये लग जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए, तो इसी तरीके से मैं इसको करने वाला हूँ। पहले शुरुआत में जो दे रखा है उसको एज इज लिखना है, यहाँ क्या बनेगा कॉट ए जमा कॉसेक ए माइनस, यहाँ फॉर्मूले ओपन करके कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, हम लोग यहाँ क्या लिखने वाले हैं नीचे, तो चल रहा है सेम टू सेम चलेगा, ओके कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ भी है और कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ भी, यहाँ स्क्वायर नहीं आएंगे, इस चीज़ को मैं करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर भी नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर ये स्क्वायर भी नहीं है, और यहाँ लिखा हुआ है सी, तो सी लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ है कॉसेक ए माइनस कॉट ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ देखो यहाँ भी सेम वैल्यू है और यहाँ भी सेम वैल्यू है, दोनों जगह सेम वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, तो ये कॉमन आ सकती है, कॉमन आ जाएगी तो इसकी जगह क्या बचेगा वन, और इसकी जगह भी क्या बचेगा वन, ओके तो इसी टर्म को मैं फॉलो करने वाला हूँ। ओके देखो क्या आया मेरे पास, मेरे पास आया
कॉमन लेने के बाद कॉट ए जमा कॉसेक ए कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, वन माइनस ब्रैकेट ओपन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, क्योंकि प्लस वाली टर्म को तो कॉमन ले लिया, इस वाली टर्म की जगह कॉट ए प्लस कॉसेक ए की जगह बचा है वन, और यहाँ पर जो दे रखा है आपको कॉसेक ए माइनस कॉट ए यहाँ पर आ गया, इसके आगे साइन था माइनस का वो यहाँ पर लगा दिया गया, ये वैल्यू वन हो चुकी थी, ये वन हो गई, ठीक है। और नीचे जो साइन चल रहा है वह चलता रहेगा, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं, आप अगर ध्यान से देखें माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के भीतर की सभी संख्याएं का साइन चेंज होने वाला है, आप पहले तो यहाँ लेके लिख दें कॉट ए प्लस कॉसेक ए, भीतर क्या लिखने वाले हैं, एक माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्योंकि जो साइन बाहर माइनस का था भीतर मल्टीप्लाई हुआ उसने सबको पॉजिटिव कर दिया, यहाँ क्या, यहाँ है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। अब अगर देखा जाए ये टर्म ऊपर नीचे मैच करती हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए वन माइनस, और ये ऊपर वाली टर्म बिल्कुल मैच कर रही है, तो कॉट ए यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पॉजिटिव, यहाँ कॉसेक ए नेगेटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ वन यहाँ वन, दोनों पॉजिटिव, सारी संख्या सेम थी आपस में कट जाएंगे, जब आपस में कट जाती हैं कटने के बाद अगली टर्म हम क्या लिखने वाले हैं, जो बचा उस टर्म को लिख देंगे, यहाँ बचा कॉट ए जमा कॉसेक ए, ठीक है। तो देखो लिख दिया मैंने कॉट ए जमा कॉसेक ए, लिख दिया हमने, ये टर्म क्या है, ये टर्म हमारी आर एच एस, एल एच एस लेके चले थे और आर एच एस हम लेके आपको दिखा दिया, तो इस तरह से क्वेश्चन पूरा हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, मुझे आशा है कि आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अगर फिर भी अगर आपको किस तरह का कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, आपकी हर परेशानी का हल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास टेन थीटा वन माइनस कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा नीचे वन माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन करना, ये नहीं कि आप इनको स्किप कर दें, एग्जाम का टाइम आने वाला है तो सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, तो पॉसिबिलिटी इसमें से एक आध क्वेश्चन तो आपका बनेगा बनेगा और आपको अच्छे नंबर दिलाएगा, ठीक है। तो बिना समय का इसको शुरू करते हैं, पहले एल एच एस लेते हैं, एल एच एस में हमको क्या मिलता है, हमें यहाँ मिलता है टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा, ये हमारे पास है। उससे आगे यहां देखें, यहां क्या है सेक और कॉसेक, तो यहां पर आप क्या करें, कोशिश करेंगे कि हम यहां पर पूरी को टर्म को साइन कॉस में बदल लेते हैं, साइन कॉस में बदलने पर हमारा काम इजी हो जाएगा, तो इसे बदलते हैं, आइडेंटिटी आप जानते होंगे, नहीं जानते तो देखो, यहां टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वैसे ही कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपके आइडेंटिटीज हैं, ओके, इन्हें आगे यूज करना, टेन थीटा की वैल्यू क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मैंने लगा दिया, प्लस का साइन, कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये मैंने लगा दिया है, ये साइन लगेगा और इक्वल का साइन यहाँ ना लग कर इक्वल का साइन आपको यहाँ लगेगा, याद रखना, नीचे ये लिखा है वन माइनस कॉट थीटा की जगह हम लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको भी इरेज करना है, यहाँ जो साइन लगेगा लगने वाला है इतना और इतना, होल
स्कूल के फोन में नहीं है, ये आधे अलग अलग वैल्यूज है। यहाँ वैल्यू आई 1 माइनस 10 थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टर्म थोड़ी बड़ी हो रखी है बट आप इसको समझना ध्यान से, लिख लिख के प्रैक्टिस करना, देखने से नहीं आएगा, इस चीज़ को समझ लेना। तो हम हमारे पास ये टर्म बची है, इस टर्म से आगे बढ़ना हमको, इक्वल का साइन लगाएंगे। हम जानते हैं, एक बात जानते होंगे आप कि अगर ए अपॉन बी है उसके अपॉन में सी अपॉन डी है, इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, इसको सॉल्व करने पर आता है ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, ये इसे सॉल्व करने पर आता है, ये बात आपको पता होगा। ठीक है, इसी बात को यूज़ करना है, मान के चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसके अपॉन मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे यहाँ पर इसके नीचे 1 मान के, पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा जब ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है ना। एक स्टेप और करते हैं, उस एक स्टेप और करने के बाद फिर हम इस प्रोसेस को दोबारा करेंगे, थोड़ा सा इसके रिपीट करते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आया साइन थीटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू आएगी आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, जमा का साइन लगाना है, ऊपर क्या वैल्यू है, ऊपर वैल्यू है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि एलसीएम लेके आ रहा है, इन दो वैल्यूज का एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू निकल के आने वाली है, यहाँ पर है कॉस थीटा। ओके, अब मैं वो वैल्यू जो करते हैं कि डिवाइड में वैल्यू है तो मल्टीप्लाई में आती है तो रिवर्स हो जाती है, तो उस सिद्धांत को यूज़ करेंगे जो थोड़ी देर पहले भी बताया, यहाँ लिखना आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन जो वैल्यू बची साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी मल्टीप्लीकेशन में आएगी नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, प्लस का साइन लगाना है, फिर आपको लिखना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये टर्म आपको लिखनी है। इस टर्म के बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखो जरा, यहाँ पर साइन का साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ वैल्यू आएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, उसके बाद यहाँ लगाना है मुझे प्लस का साइन, कॉस थीटा के कॉस थीटा से करते हैं तो ये बन जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बनने वाला है, यहाँ बनेगा साइन थीटा, यहाँ बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, अगर मैं इस माइनस को कॉमन लूंगा तो माइनस कहाँ पहुँचेगा, माइनस पहुँचेगा यहाँ, ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, और जो कॉस थीटा मेरे पास यहाँ पर है ये हो जाएगा नेगेटिव का कॉस थीटा। आपको एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि जो ये कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती और वो यहीं अटक जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ मेरे पास है ए माइनस बी, ओके ध्यान से समझना, मेरे पास ए माइनस बी दे रखा है और इसके इसमें से मेरे को माइनस कॉमन लेना है, या फिर देखें कि माइनस से मल्टीप्लाई करना है, मान के चलो, तो माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद आपको क्या आएगा, आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा माइनस ए प्लस बी, या आप इसको ये लिख सकते हैं कि बी माइनस ए। अगर आप दोनों को इक्वेट करेंगे इस वैल्यू को और एक इस वैल्यू को, आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या है, बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि इसी से तो ये वैल्यू बनी है तो दोनों बराबर तो होनी स्वाभाविक स्वाभाविक है। यहाँ पर देखो माइनस ए माइनस बी है और यहाँ पर बी माइनस ए है, पहले ए पॉजिटिव था, माइनस का साइन मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव हो गया, वैसे यहाँ बी नेगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया। सिमिलर प्रोसेस कहाँ हुई है, सिमिलर प्रोसेस आपके इस क्वेश्चन में यहाँ पर हुई है, यहाँ अगर आप देखेंगे ऊपर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था तो यहाँ पर कॉस थीटा पॉजिटिव था और साइन थीटा नेगेटिव, यहाँ पर कॉस थीटा नेगेटिव हो गया है और साइन थीटा हो गया पॉजिटिव, और यहाँ जो साइन पॉजिटिव था वो हो गया नेगेटिव। ओके, ऊपर चलते हैं,
यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते हैं, यहाँ पर अब इस टर्म को प्रॉपर तरीके से लिखते हैं जिस फॉर्म में वो था, इस तरह से लिखते हैं उसको, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर साइन हो गया माइनस का और ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ क्या आपके पास है, वैल्यू बन गया आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब अगले टर्म में आपको एलसीएम लेना है, इन दो संख्याओं के बीच एलसीएम लिया जाएगा। जो एलसीएम है आपके पास वह इस प्रकार से आने वाला है, नीचे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, तो यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बहुत से बच्चे यहाँ पर यही गलती करने वाले हैं तो इसको मैं यहाँ करेक्ट कर देता हूँ। पहले आप देखें जब इसके को मल्टीप्लाई करा जाएगा तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो सेम है ना, साइन थीटा की मल्टीप्लाई होनी थी इससे, साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होने के बाद ये स्क्वायर चेंज होके बन जाता क्यूब, जिसमें ऐसे ही कर रहा हूँ अभी साइन क्यूब थीटा, यहाँ भी कॉस क्यूब थीटा, ठीक है ना, ये अब सही है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात क्या आने वाली है, एक फॉर्मूला जिसे बच्चे याद नहीं कर रखते, फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या है फॉर्मूला, बड़ा आसान फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला रहने वाला है ए माइनस बी ब्रैकेट ओपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा में, ठीक है, इसमें करेंगे इसे अप्लाई, इस फॉर्मूले को, तो फॉर्मूला अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हो रखा है ना, फिर आपको इसे करना है। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, मैं पेंसिल का कलर चेंज कर लेता हूँ पहले, माइनस कॉस थीटा, और यहाँ वैल्यू क्या बनने वाली है, यहाँ वैल्यू बनेगी साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे क्या है, नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ क्या है, यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखो जो मेरे पास यहाँ ये है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों मिलके वन होता है, आइडेंटी पहले बताइए फिर बता देता हूँ, जितनी बार आप आइडेंटिटी देखोगे प्रैक्टिस करोगे है ना उतना ही आपका क्लियर होता चला जाता है, ये इंपॉर्टेंट, ये तो हो जाएगा वन, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, हमें लिखेंगे वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, मेरे पास ये टर्म है, मैं दोनों टर्म को अलग अलग सेपरेट कर देता हूँ क्योंकि हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए जमा बी अपॉन सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बटे सी प्लस बी बटे सी, उस तरह से यहाँ है वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको हम दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं करके, कैसे लिखेंगे, एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। वन बाय साइन क्या होता है, ये होता है आपका कॉसेक थीटा, वन बाय कॉस क्या होता है, ये होता है आपका सेक थीटा,
दोनों टर्म सेम है तो कट के यहाँ कितना आ गया, 1 प्लस 1, ये क्या आपका, ये आपका आर एच एस है। ओके, क्या करना होता है हमें सवाल में, हमें एल एच एस को आर एच एस के बराबर दिखाना होता है, और तो यहाँ हमारा एल एच एस आर एच एस बराबर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाता है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन था, ये है हमारा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा लेंथ जरूर है, बट ये क्वेश्चन आपको आपके अच्छे मार्क्स दिलाएगा एग्जाम में, और मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि 70% चांसेस हैं कि क्वेश्चन आपका आएगा। ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इम्पोर्टेंट है, और आप इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा, पॉसिबिलिटी आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, इसे ज़रूर कीजिए। ओके, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसका 100% समाधान करेंगे। ओके, ठीक है, तो इसके साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं, और कल नई वीडियो के साथ आएंगे। स्वागत रहेगा आपका डीडी सर क्लासेस में, जब तक के लिए बाय, BYE, बाय।